हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के सेगमेंट में मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, आपका मित्र मनमोहन जोशी। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं और बहुत डिमांड है आप लोगों की। आप जानना चाह रहे हैं कि SDO और SDM में क्या डिफरेंस होता है। MPPSC या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनको खास तौर पर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो ये काम का प्रश्न है ही है। कई बार जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं वो भी कंफ्यूज्ड होते हैं कि जैसे तहसीलदार है तो तहसीलदार SDO का सबॉर्डिनेट है या SDM का। तो कई बार तहसीलदार ये कहते हैं कि हमारे बॉस हैं SDM। तो क्या SDM का सबॉर्डिनेट तहसीलदार होता है? SDM और SDO में क्या डिफरेंस है? तो इनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं इस लेक्चर में। बहुत ब्रीफ में मैं आपको इस बातों को समझाऊंगा। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे नोट डाउन कर लीजिए चीज़ों को, और अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको इन बातों को जानना ही चाहिए। आप एक काम ज़रूर कर लें, लिसनिंग लर्निंग मोड पे आ जाएं इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप लास्ट तक इस लेक्चर को देखेंगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लेंगे। अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन नहीं क्लिक किया है तो सब्सक्रिप्शन के बाद बेल आइकॉन क्लिक कर लें, ताकि आपको लेक्चर्स की अपलोड मिलते रहें, कब वो अपलोड हो रहे हैं और कब नए लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। हम आपके लिए लॉ से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ रहे हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर हम अवेलेबल हैं, आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक चैनल पर, जो आपको साइड स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, www.facebook.com/vidhikshiksha। अगर आप हमारी वेबसाइट से जुड़ना चाहते हैं तो सीधे हमारी वेबसाइट पर आएं, www.vidhikshiksha.com पर। तो आइए समझते हैं SDO और SDM में क्या डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि SDO और SDM ये दो अलग अलग पद हैं। SDO जहां पर लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत एक पद होता है और वो अपीलीय न्यायालय होता है। ध्यान से समझिए, SDO सब डिविजनल ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूं, जिसका पावर मिलता है डेप्यूटी कलेक्टर को। डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारी जो होते हैं उनको SDO की पावर मिलती है लैंड रेवेन्यू कोड में। तो अगर हम MP की बात करें तो MP लैंड रेवेन्यू कोड सेक्शन 11 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, जो कि 1959 का एक कानून है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अपीलीय अधिकारी, लैंड रेवेन्यू, इन सब के बारे में प्रोविजन है। तो वहां हमें डेप्यूटी कलेक्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में बात मिलती है, और हमें ये भी पता चलता है कि SDO जो है एक अपीलीय अधिकारी है और रेवेन्यू ऑफिसर होता है। तो उसका नाम है सब डिविजनल ऑफिसर। ये किसी सब डिविजन यानी उपखंड का प्रभारी होता है। तो उपखंड क्या होता है, आप ये समझें कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक संभाग आता है राज्य में। तो राज्य कई संभागों में बटा हुआ है, एक स्टेट डिविजन्स में बटा होता है। फिर हर एक संभाग में कई जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, और हर एक जिले को सब डिविज़न या उपखंडों में बांटा जाता है। तो रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं वो SDO होते हैं, और ये तहसीलदार के ऊपर इनके अपीलीय अधिकारी होते हैं। मतलब तहसीलदार के कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश दिया है, तो उसकी अपील SDO के कोर्ट में होती है। लैंड रेवेन्यू कोड में SDO को बहुत सारे काम दिए गए हैं, जैसे आबादी स्थल का निर्धारण SDO करते हैं, वाजिबुल अर्ज का निर्माण SDO करते हैं। अगर हम लैंड रेवेन्यू कोड पढ़ेंगे तो बहुत सारे काम मिलेंगे SDO के रेवेन्यू से रिलेटेड। लेकिन वहीं डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारी को SDM के पावर मिलते हैं CRPC में। ध्यान से समझें, SDM जहां CRPC के पावर यूज करता है, वहीं SDO ये रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू कोड के पावर यूज करता है। तो SDM जो है उसे कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ध्यान से समझिए, उपखंड दंडाधिकारी। तो ये SDM कौन होते हैं? अगेन, डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारियों को SDM की पावर स्टेट गवर्नमेंट देती है। ये निकलकर आते हैं सेक्शन 20 CRPC से। इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, विधि और व्यवस्था को बनाए रखना। तो बहुत सारे इनके पास पावर हैं, बहुत काम की कुछ बातें मैं आपको बता दूं, SDM के पावर्स क्या हैं, SDM क्या काम कर सकता है। तो CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का ये कानून है, जहां हम SDM के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट SDM को पावर्स देती है। SDM के पास क्या क्या पावर है? तो सबसे पहले जो पावर उसके पास आता है वो है अरेस्ट करने की शक्ति। तो सेक्शन 44 CRPC में SDM किसी भी अपराध को करने वाले किसी व्यक्ति को अपने ज्यूरिसडिक्शन में अरेस्ट करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो ये SDM DM दोनों के पास पावर है, क्योंकि मैं SDO और SDM की बात कर रहा हूं, इसलिए सिर्फ SDM पर मैं फोकस कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। जहां SDM के पास पावर है वही पावर DM यूज करते हैं। DM होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट।
और स्टेट गवर्नमेंट आईएएस लेवल के अधिकारियों को ये पावर देती है, डीएम की पावर देती है। सेक्शन 20 में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 20 सीआरपीसी लिखती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने अधिकारियों में से किसी एक को डीएम की पावर दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने पावर का यूज पूरे डिस्ट्रिक्ट में करते हैं। इनका भी काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस में बता रहा था, सेक्शन 44 सीआरपीसी, ये सेक्शंस आपको स्लाइड में साइड में दिख रहे होंगे। तो सेक्शन 44 सीआरपीसी में प्रावधान ये है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसमें कि एसडीएम डीएम दोनों आते हैं, तो एसडीएम जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं, अरेस्ट करने के पावर दे रखी है। पुलिस किसे अरेस्ट करेगी, तो सेक्शन 41 ये कहता है ऐसा व्यक्ति जिसने कोई कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, संज्ञेय गैर जमानती अपराध, या जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है लेकिन मजिस्ट्रेट ने अरेस्ट का वारंट इशू कर दिया है। मजिस्ट्रेट किसे इशू कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसडीएम किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध को करने के लिए अरेस्ट करने की पावर रखते हैं। तो सेक्शन 44 सीआरपीसी अनलिमिटेड पावर देता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेक्शन 129, 130, 131, 132, 133 सीआरपीसी में इनको पावर दिए गए हैं। जैसे कहीं कोई विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली हो रही है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, जानकारी ये मिलती है कि वो दंगा या बलवा करेंगे, तो इनके पास पावर है उस जमाव को बिखरने के लिए आदेश दे सकते हैं। इनके पास ही पावर है कि ये आंसू गैस का उपयोग कर सकते हैं। इनके पास पावर है कि ये लाठी चार्ज का उपयोग कर सकते हैं। मतलब ये कि विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शक्ति का, बल का उपयोग भी करने का अधिकार इनको दिया गया है। फिर 133 सीआरपीसी में इनको अनलिमिटेड पावर दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि कहीं पर में सड़क पर एनक्रोचमेंट हो गया, तो उस एनक्रोचमेंट को हटाने कौन जाता है, एसडीएम बल के साथ जाते हैं। तो इनको अधिकार दिया गया है, ये किसी एनक्रोचमेंट को हटा सकते हैं, किसी बाधा को हटा सकते हैं। तो जहां कहीं कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, लोग बाधा हो रही है, तो वहां पर में इनको अधिकार दिया है ऐसी बाधा को दूर करने के लिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। जैसे आपने सुना होगा कि एग्ज़ाम के टाइम पर बचपन में अगर आपने स्कूल में लेटर और एप्लीकेशन लिखा होगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पर लाउड स्पीकर्स को बंद करवाने के लिए एप्लीकेशन लिखे जाते थे। ये एप्लीकेशन भी एसडीएम को ही लिखे जाते हैं, उनके पास ये अधिकार है। तो कहीं आपके मोहल्ले में, सराउंडिंग में कोई लाउड स्पीकर बज रहा हो जिससे आपको डिस्टर्बेंस हो रहा हो, किसी भी तरह से आप बीमार हैं, बहुत वृद्ध हैं, या आधी रात को डीजे बज रहा है आपके मोहल्ले में जिससे आपको तकलीफ हो रही है, तो किसी भी तरह की न्यूसेंस है, कोई बाधा है, इसको हटाने का अधिकार भी एसडीएम रखते हैं। तो एसडीएम के पास अनलिमिटेड पावर दे रखे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, 133 सीआरपीसी में एसडीएम जो पावर यूज करते हैं, जो आदेश देते हैं, वो आदेश कंडीशनल होता है, सशर्त होता है, लेकिन अंतिम होता है। दैट विल बी दी फाइनल ऑर्डर, इसकी कोई अपील नहीं होती है, ध्यान रखिए। तो क्या पावर दे दिया है एसडीएम और डीएम को 133 सीआरपीसी में, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू मेंटेन पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, लोक शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो हमने एक लेक्चर इसमें अपलोड किया ही हुआ है कि कब एसडीएम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जो एसडीएम होता है, ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का सीनियर होता है, ध्यान रखिएगा। ये बात और है कि हमारे यहाँ भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की पावर भी जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को दे दी जाती है, लेकिन तहसीलदार का सीनियर कौन होगा, एसडीओ, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सीनियर कौन होगा, एसडीएम। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, दो अलग अलग हायरार्की निकलती है अलग अलग कानूनों में। फिर हमारे पास सेक्शन आता है 144 सीआरपीसी। 144 सीआरपीसी, साधारण तो लोग इसे कर्फ्यू वाली धारा के नाम से जानते हैं, जबकि कर्फ्यू जैसा कोई शब्द हमारी सीआरपीसी में नहीं है। 144 में प्रोहिबिटिव ऑर्डर है, निषेधाज्ञा। तो प्रोहिबिटिव ऑर्डर क्यों जारी किए जाएंगे, टू इन अर्जेंट केसेस, जहां कहीं कोई गंभीर खतरे का मामला है, और विधि और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, किसी प्रोक्लेमेशन की जरूरत है, किसी चीज को प्रोहिबिट करने की जरूरत है, तो वहां भी एसडीएम और डीएम को पावर दिए गए हैं, ये ऐसा कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक सेक्शन आता है 174। अगर किसी लोकेलिटी में कोई आदमी की डेथ हो गई है, किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की, और डेथ अननेचुरल कारणों से हुई है, जो मृत्यु हुई है वो जो है वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल मतलब किसी बीमारी से नहीं मरा, या डॉक्टर ने उसको सर्टिफाई नहीं किया है, पता चलता है कि उसने सुसाइड कर ली, पता चलता है उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस हुआ है, पैर फिसल करके मर गया, छत से गिर करके मर गया कोई व्यक्ति, तो ऐसी जगह में तुरंत ये एसडीएम ही जाते हैं। तो हमारे पास वर्ड है डीएम, एसडीएम और अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हु इज स्पेशली एम्पावर्ड बाय डीएम।
तो कौन कर सकता है? मृत्यु समीक्षा, इंक्वेस्ट इसे हम कहते हैं इंग्लिश में, 174 सीआरपीसी से निकल कर आता है ये। तो डीएम कर सकते हैं, एसडीएम कर सकते हैं, या कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको डीएम ने एम्पावर किया है, ये ऐसे स्थान में जाते हैं और मृत्यु के कारण का पता लगाते हैं, दैट व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ, कि मृत्यु किस कारण से हुई। तो ये भी अधिकार एसडीएम को दिए गए हैं। तो ये बहुत ब्रीफ में मैंने जानकारी दी है एसडीएम के पावर्स क्या हैं, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एसडीएम और एसडीओ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। मैं वापस से रिपीट कर दूं, एसडीएम सीआरपीसी के पावर यूज़ करते हैं और एसडीओ लैंड रेवेन्यू कोड के पावर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों ही डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारियों को ये पावर मिलता है। ये दोनों ही अधिकार, ये क्षेत्र और ये कर्तव्य और पावर्स का यूज़ डेप्यूटी कलेक्टर लेवल के अधिकारी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रीफ में ये जानकारी समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो थम्स अप करना मत भूलिए, कमेंट बॉक्स में आइए हमें बताइए आपको हमारा ये लेक्चर सीरीज कैसा लग रहा है, और शेयर करते रहिए हर उस एक प्लेटफॉर्म पर जहां आप मौजूद हैं। शुक्रिया, आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।